नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 29 मई से लेकर के 1 जून तक का दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। पांचवी राशि लेते हैं, लियो यानी सिंह राशि। 29 मई को आप अपने आप में एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव करेंगे और साथ ही साथ एक भय का भी अनुभव करेंगे। दिन के कुछ समय में आप आत्मसंतुष्ट रहेंगे, आपको लगेगा कि हर चीज़ से अब आप मुक्त हो रहे हैं और जीवन में काफ़ी आनंद है, इसे एंजॉय करना चाहिए। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी समय इसी दिन आएंगे जब आप भय से ग्रस्त रहेंगे कि आगे भविष्य में क्या होगा। आपके लिए सबसे बढ़िया सलाह ये है कि भविष्य को भविष्य के पास छोड़ दें और वर्तमान को एंजॉय करने की और अपने आप को शांत व खुश रखने की पूरी कोशिश करें। 30 मई के दिन आपको अगर धन का लेन देन करने की पाबंदी ना हो तो धन के लेन देन को स्थगित रखें। उधार लेना उधार देना इस दिन अगर स्थगित रखें तो बड़ा बढ़िया रहेगा। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, उधार देने को नहीं कह रहा हूँ, मदद कर सकते हैं, तो दूसरों की मदद जरूर करिएगा। और अगर आपकी कोई हेल्प करता है, उधार नहीं देता लेकिन हेल्प करता है, भले ही धन से क्यों ना करे, तो उसकी हेल्प को भी मना मत करिएगा। 31 मई के दिन द्विपक्षीय मामलों में आपकी सर्वथा विजय होगी। इसके अलावा द्विपक्षीय मामलों में आपका हर दृष्टिकोण और हर रवैया, हर नजरिया सफल जरूर होगा। आप अपने प्रेम प्रसंग में और व्यक्तिगत रिलेशनशिप में बहुत ही सुखी और खुशहाल महसूस करेंगे। आप द्विपक्षीय मामलों में 31 मई को बहुत ही ज़्यादा रोमांच और सुख का भी अनुभव करेंगे। ये दिन हर्ष और उल्लास का है, बहुत ही एंजॉय के साथ इस दिन को बिताइएगा, क्योंकि इस दिन आप अंदर से इतना प्रफुल्लित रहेंगे कि आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति प्रफुल्लित जरूर हो जाएगा। 1 जून के दिन आप द्विपक्षीय मामलों में फिर फंस सकते हैं, जब आपको निर्णय लेने की ज़रूरत हो कि दो में से एक को चुनना है तो किसे चुनना है। तो आपके लिए सलाह ये है कि आप इस दिन स्वार्थी व्यक्ति ना बने और सत्य का साथ दें। बिना स्वार्थ के आपका जो डिसीजन होगा वो भविष्य में आपके लिए भी फायदेमंद जरूर साबित होगा। ओवरऑल प्रेम संबंधों के लिए केवल 30 मई का दिन बढ़िया नहीं है, बाकी 29, 31 और 1 जून अच्छे दिन हैं। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 29 मई से लेकर 1 जून तक के लिए। उम्मीद है मेरा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई सुझाव इत्यादि देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ये दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।